आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पांचवें चरण की चुनाव का प्रचार रामनगरी अयोध्या से शुरू किया। अयोध्या जनपद में 27 फरवरी को मतदान होना है। शहर के क्षत्रिय बोर्डिंग में आयोजित रैली में जेपी नड्डा ने राहुल गांधी व सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाने पर रखा। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि अब लोग हनुमान मंदिर जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और कभी चरण मात्र नहीं लेते थे व चंदन भी लगा रहे हैं। ये ठीक है, एक राजनीतिक वातावरण बनाया है, ये ठीक है कि कोर्ट का फैसला आया, सब समझते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कौन राजनीतिक दल खड़ा रहा? क्या कांग्रेस खड़ी नहीं? विरोध। क्या सपा खड़े है? विरोध। और आज वोट मांगने के लिए मुझे हंसी भी आती है। आज पता लगा अगले दिन हनुमान मंदिर में है और घंटी में जा रहे हैं। अरे घंटी में से क्या होगा? अब पछतावा बहुत गया जो पीढ़ी चुके थे। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। वहीं यूपी में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होने हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ के सारस प्रेक्षागृह चिड़ियाघर में आयोजित दिव्यांगजन के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मादेव राम तिवारी मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। साथ ही साथ दिव्यांगजनों की मतदान से जुड़ी समस्याओं को सुना। वहां मौजूद लोगों ने पोस्टल बैलेट से मतदान की सराहना की। लखनऊ वासियों के लिए जो एक खाली समय में जीव जंतुओं को देखने का, उनको समझने का एक बड़ा सुनहला अवसर इस चिड़ियाघर के माध्यम से लोगों को मिलता रहा है और लखनऊ के हृदय स्थल में होने से यहाँ पर सदैव जो है लोगों का जमावड़ा रहता रहा है। बीच में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लोगों की फिजिकल विजिट कुछ समय तक प्रभावित रही, लेकिन बाद में जब जो प्रोटोकॉल के अनुसार लोगों को छूट मिली तो फिर से वैसा ही हरा भरा और उल्लास भरा माहौल इस चिड़ियाघर में देखने को मिलता है। आप सभी को यह जानकारी होगी, खासकर हमारे जो दृष्टिबाधित साथी हैं, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं रोहित कुमार मीत जी का, जिन्होंने मीत फाउंडेशन के माध्यम से हमारे जो दिव्य चक्षु साथी हैं और जो मन की आंखों से शायद वो देख पाते हैं कि शायद हम उतनी खुली आंखों से न देख पाए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मीत फाउंडेशन अदा कर रहा है। दिव्यांगों के लिए जैसा आप सबको ज्ञात होगा कि हर बूथ पर रैंप बने होते हैं, हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, बुजुर्गों के लिए वॉलेंटियर्स या स्वयं सेवकों की व्यवस्था होती है और मतदान केंद्र पे हर तरह की सुविधाएं हों, छाया से लेकर पीने के पानी से लेकर बेहतर माहौल में इलेक्शन कराने की व्यवस्था इत्यादि, ये सारी व्यवस्थाएं हर जगह सुनिश्चित कराई गई हैं। हमारे दृष्टिबाधित जो साथी हैं उनके लिए ब्रेल साक्षरता और ब्रेल में वो चीजों को पढ़ सकें, जान सकें, इसके भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां तक कि जो ब्रेल वोटर पर्ची भी भेजी जा रही है, वोटर गाइड भी ब्रेल में तैयार करा करके आप लोगों तक भिजवाने की व्यवस्था की गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथियों तक इसकी पहुंच हुई होगी। और इसी के साथ मशीन में वो मतदान कर सकें, इसकी भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं कि दृष्टिबाधित जो हमारे मतदाता हैं वे भी सामान्य मतदाताओं की तरह बिना किसी असुविधा के अपना मतदान सुनिश्चित कर सके। भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए बहुत ही विशेष प्रयासरत है।
इस बार मैं बताना चाहता हूं कि पोस्टल बैलेट की सुविधा दिव्यांग साथियों के लिए भी पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने की है कि जो 40% से अधिक दिव्यांग है वे घर बैठे अपना मतदान कर सकें, क्योंकि मतदान के दिन आप बूथ पर जाएं इसकी पूरी व्यवस्थाएं हम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या दिव्यांग साथी पहुंचने में असमर्थ हैं, उन्होंने इस विकल्प का चयन किया है और इसके माध्यम से जो हमारे प्रथम दो चरण हैं उनमें काफी सकारात्मक ढंग से मतदान हुआ है और बिना किसी असुविधा के बाधा के लगभग जो प्रथम चरण के जिले थे, द्वितीय चरण के जिले थे, लगभग 20 जिलों में मतदान हो चुका है। अन्य जिलों में भी इस प्रक्रिया से मतदान कराया गया है, जैसे तृतीय चरण का मतदान परसों होगा। आप और अपने दृष्टिबाधित साथियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सर सभी दृष्टिबाधितों को मतदान करने के लिए जाना चाहिए और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, जिससे एक अच्छी सरकार का निर्माण हो और हमारे लिए अच्छे कार्य करें। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हमारे 2014 के बाद से, मैं विशेषकर बात करूं 2014 के बाद से निर्वाचन आयोग ने एक सक्रिय भूमिका निभाई है दिव्यांगों के लिए मतदान के लिए। क्योंकि पहले क्या था कि मतदान करने की इच्छा तो सबकी होती थी। मैं बेसिकली राजनीति विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएट हूं और मुझे मेडल भी मिला है, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूं। तो मेरा मोनू सिंह है। पहले जो अवेयरनेस थी, जागरूकता थी, वो अधिकारियों में नहीं होती थी। जो निर्वाचन बूथ के लोग होते थे तो उनको इतना मतलब जानकारी थी कि इनका राइट है, लेकिन इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि उनको मतदान कैसे कराना है, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो अब जो सुविधाएं दी गई हैं निर्वाचन आयोग की वो सराहनीय है और मुझे लगता है कि सभी जो भी हमारे दृष्टिबाधित छात्र हैं या जो साथी हैं उनको बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि मतदान हमारा जो है अधिकार है और अधिकार के साथ साथ लोकतंत्र का एक बहुत सशक्त माध्यम है। अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें मतदान बहुत आवश्यक है, मतदान करना। और मतदान की जहां तक बात रही तो मैंने पहले किया है, तो उस समय ईवीएम की सुविधा मुझे मिली थी तो वहां पे एक सर थे, उन्होंने कहा तुम बटन बताओ जिसका जो तुम्हें जिसको वोट देना है तो मैं तुम्हारी बटन खुद ही दबा देता हूँ। मैंने कहा उसमें ब्रेल में लिखा होगा और मैं खुद पढ़ूंगा। तो उन्होंने तुम पढ़ लेते हो? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैंने दबाया और मैंने मत दिया, क्योंकि ये मत जो है हमारा, बाकी हमसे सब कुछ कोई ले सकता है, हमारा मत कोई हमसे नहीं ले सकता। आप लोग जहाँ तक मतदान की बात है तो मतदान से बड़ा कोई दान नहीं है और मतदान हमारा अधिकार भी है और मतदान के ही द्वारा ही एक सशक्त लोकतंत्र का, लोकतंत्र को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और जो हमारे देश हित में जो कार्य करे उस सरकार का चुनाव भी हम मतदान के द्वारा कर सकते हैं। देखिए जो चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के हैं उनमें प्रत्येक मत अमूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत निर्वाचन आयोग हमारे दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, इन सभी के मतदान सुनिश्चित कराने के लिए, सुविधापूर्ण और सुगम ढंग से कराने के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज लखनऊ चिड़ियाघर में मीत फाउंडेशन और जिला प्रशासन लखनऊ के सौजन्य से दृष्टिबाधित जो हमारे दिव्यांग साथी हैं इनसे संवाद का और इनके माध्यम से मतदाता जागरूकता का यह कार्यक्रम आज यहां आयोजित किया गया और दिव्यांगों का उत्साह और मतदान में सहभागिता को लेकर के जो इनके फीडबैक हैं और जो इनका मताभिमत है वो प्राप्त हुआ और कई विषयों पर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला कि किस तरह से दृष्टिबाधित साथी हमारा जो हैं हमारे वे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सभी के मन में एक बहुत ही उत्साह है कि लोकतंत्र में इनकी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे पोस्टल बैलेट की सुविधा जो प्रथम बार दी गई है, इसी के साथ साथ दिव्यांग साथियों के एक्सेसिबल इलेक्शन के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, वॉलंटियर्स की व्यवस्था है, ब्रेल में ईवीएम में जो ब्रेल की व्यवस्था है, मतदाता उसमें जो
निर्वाचन जो कैंडिडेट्स की सूची होती है उसमें हमारे जो है ईवीएम में होती है, तो इन सभी के माध्यम से हमारे दृष्टिबाधित साथी अपना मतदान सुनिश्चित कर पाएँ, इसकी पूरी व्यवस्थाएं हर बूथ पर की गई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दृष्टिबाधित साथी हैं, जो अंतःचक्षु से चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और जो सार्थक मैसेज आप देना चाहते हैं, यह सब सभी लोगों तक, सभी मतदाताओं तक अवश्य पहुंचना चाहिए कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे, क्योंकि मतदान महादान है और इसके माध्यम से हमारा देश सशक्त होगा, हमारा लोकतंत्र। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी रायबरेली पहुंचे, यहां उन्होंने सदर कांग्रेस प्रत्याशी मनीष चौहान के पक्ष में सुपरमार्केट में जनसभा की। प्रमोद तिवारी ने अपने संबोधन में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार को इलाज करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाकर सदर विधानसभा से उतारा है। प्रमोद तिवारी ने अपने भाषण में भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर पार्टी छोड़कर जाना ही था तो पहले इस्तीफा देना चाहिए था, यह प्रियंका गांधी या कांग्रेस का अपमान नहीं है बल्कि रायबरेली की जनता के विश्वास का अपमान है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है, ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है, अंदाजे लगाते रहिए। बहुत बार जो लगता है वो होता नहीं, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। 50% महिलाएं, 65% युवक एक बार तिरंगे पर अपना विश्वास जताएंगे और आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनना है। रायबरेली के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उचहार विधानसभा की दीन शाह गौरा में जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में सपा पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुंदेलखंड से आ रहा हूं, साइकिल पंक्चर करके अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, जब उनकी सरकार थी तब सभी ने देखा बिजली के तारों पर गीले कपड़े सुखाने का काम किया जाता था। देश के कर्नाटक राज्य से हिजाब को लेकर शुरू हुए राजनीति का उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थानों में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों की आड़ में राजनीति करने वाले दल भी सक्रिय आ रहे हैं। आज भी अलीगढ़ में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की तरफ से खुलेआम सड़क पर तुलक्की फरमान जारी कर दिया गया। उनके द्वारा अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है, शिक्षा संस्थान में बुरका टोपी व हिजाब पहनकर प्रवेश किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद अलीगढ़ के कार्यकर्ताओं ने जो हिजाब प्रकरण चल रहा है इसमें देश में, उसमें ड्रेस कोड की अवहेलना जो हो रही है उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय को समुचित ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन यथाशीघ्र जो है महोदय के समक्ष एक समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग है। प्रदर्शन कोई नहीं था, एक ये शांति मार्च था युवा मोर्चा का, जो हिजाब प्रकरण जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और हमने युवा मोर्चा ने एक सीएम साहिबा को एक वो दिया है, एक ज्ञापन दिया है कि उच्चतम न्यायालय का एक आदेश भी आ गया है कि कहीं पर भी कोई भी हिजाब प्रकरण अब नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में लोग हिजाब पहनकर आ रहे हैं, तो हमने ये बताने के लिए एक ज्ञापन दिया है कि हिंदुस्तान भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा, न कि सरिया कानून के हिसाब से। खबर गाजीपुर से है, जहां पर कुछ लोगों द्वारा भाजपा प्रत्याशी के गाड़ी पर पोस्टर एवं बैनर को तहस नहस किया गया। भाजपा विधायक की पत्नी एवं अक्षर फाउंडेशन की अध्यक्ष रीना पासी भी अपने काफिले के साथ प्रचार कर रही थी। गांव में प्रचार करने के बाद जैसे ही वह बाहर निकले कुछ लोगों ने उनके प्रचार वाहन पर हमला किया था। इस हमले के बाद कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला महामंत्री गाजीपुर ने कहा कि यहाँ विरोधियों की बौखलाहट है। विरोधियों की एक तरह से हताशा का परिचय है, वो पूरी तरह से हताश और निराश हैं। उनके मुखिया तो एक तरफ कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार बनेगी तो पारदर्शिता रहेगा, गुंडागर्दी या माफियाओं को जो है आश्रय नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये सरकार बनाने के चक्कर में
पड़े हैं और सरकार बनने से पहले सरकार बनाने की तो सपना देख रहे हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता घोर गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को। ये लोकतंत्र में बता दें कि लोकतंत्र में ये कहाँ है कि नहीं, सबको अधिकार है। हम लोग तो शालीनता से अपने बात को जनता के बीच में रख रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे वाहन पे पथराव कर रहे हैं, हमारे चालक पर हमला कर रहे हैं। कहीं न कहीं से ये हमारे विपक्षियों में, खास तौर से सपा के कार्यकर्ताओं में एक खबर औरैया से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष इरशाद कुरैसी ने 203 दिव्यापुर विधानसभा में फफूंद पार्टी कार्यालय में जनपद में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी 20 फरवरी के दिन होने वाले मतदान को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को सजग रहने को कहा। साथ ही उन्होंने दिव्यापुर विधानसभा के प्रत्याशी प्रदीप यादव को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने वाले हैं। वही आपको बता दें, बिजनौर में पुलिस ने और राजस्व विभाग की टीम ने डीएम के आदेश पर सपा नेता और नगर पालिका चेयरमैन अब्दुल मन्नान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त की 1,74,00,000 संपत्ति कुर्क कर ली है। चेयरमैन और उनके परिवार के भाइयों के साथ ही पत्नी के नाम के 2 प्लॉट और 1 शोरूम को भी कुर्क किया गया है। दूसरी तरफ से चेयरमैन अब्दुल मन्नान का कहना है कि जो कार्रवाई की गई है वो गलत की गई है, उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो भाजपा के नेताओं के दबाव में झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। मेरा कहना यह है कि पहला तो कार्रवाई मुझ पर गलत हुई, जो मुकदमे लगे पहले झूठे मुकदमे लगाए गए थे मुझ पर, आप सब जानते हैं इस बात को। भाजपा सरकार में दबाव में प्रेशर में आकर लोगों ने, नेताओं ने कुछ ना कुछ मुकदमे लगवाए थे, वो सब झूठे थे। तो उसके बाद में हमें गैंगस्टर के बाद में ये नोटिस दिया गया था, ये नोटिस मेरे हाथ में है। तो ये नोटिस में हमें बताया गया कि डीएम साहब को हम इसमें अपनी तरफ से अपना पक्ष रखकर अपना जवाब देंगे, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई उसका हमें कोई सूचना नहीं दी गई। वो हमारी यहाँ पे आके कार्रवाई कर दी और हमारी सारी संपत्ति जब्त कर दी। कस्बा व थाना किरतपुर निवासी अब्दुल मन्नान, जो कि गैंगस्टर का अभियुक्त है, उसके द्वारा अवैध तरीके से गैंग बना के अर्जित की गई संपत्तियों की आज जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के आदेशानुसार कुर्की की गई। कुर्क की गई सभी संपत्ति की कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपया है। आज राजस्व टीम तहसील नजीबाबाद थाना किरतपुर पुलिस ने मिलकर अवैध तरीके से गाजियाबाद में थाना विजयनगर पुलिस और साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और सोशल मीडिया साइट के जरिए शादी का झांसा देकर ठगी का काम करता था। एसपी सिटी नगर प्रथम निपुण अग्रवाल ने बताया कि गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 अभियुक्त विदेशी नागरिक समेत गिरफ्तार किया गया है और 1 नागरिक बबूल अभी फरार है। ये देखिए, नाइजीरियन व्यक्ति का मेन रोल ये है कि नाइजीरियन व्यक्ति ही ये महिला बनके चैट करा करते थे। इसमें जो बबलू शर्मा है, ये फर्जी एड्रेस पे खाते खुलवाया करते थे और खाता खुलवाने के बाद ये एटीएम और जो चेकबुक होती है ये प्रिंस पांडे और अरविंद वर्मा को दे दिया करते थे। बबलू शर्मा को हर खाता खुलवाने के एवज में 3,000 रुपया मिलते थे और प्रिंस पांडे और अरविंद वर्मा ये जो एटीएम होता था इसको फिजिकली नाइजीरियन व्यक्ति को हैंडओवर कर दिया करते थे और जब भी कोई फ्रॉड करते थे नाइजीरियन व्यक्ति, उसके अवज में जो भी पैसे आते थे तो उसके 7% का कट ये प्रिंस और अरविंद लिया करते थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।